भाई सक्षमों के लिए एक नया नोटिस आ चुका था। वो नोटिस पे मैंने अभी वीडियो बनाना मतलब ज़रूरी नहीं समझा। जैसे ही मतलब तुम लोग बाद में भूल जाते हो, इसलिए मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई उसकी। नोटिस है मेरे पास और ये नोटिस जो है इस साइट के ऊपर भी आ चुका है, HREX वाली साइट के ऊपर। इसमें बोला गया सक्षम से रिलेटेड होती है HREX की साइट जो भी होती है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। और ये मैंने कल न्यूज़ बता दी थी, /है/ ये नया लग गया है GOV.IN के आगे। तो अब यहाँ पर जो बोला गया है ऑल जॉब सीकर रिक्वायरमेंट दे मोबाइल नंबर ईमेल वेरीफाई ये ज़रूरी, ये तो मैंने पहले बता दिया था। लेकिन अब जो आया है फ्रॉम जनवरी 2020 से लेकर ऑल सक्षम यूआर विल मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है मार्क दे अटेंडेंस इन द सेम मंथ इन विच ऑनरेरियम वर्क इज डन। और ये तो बहुत देर में हो यार। चलो जो भी है मतलब ये अनुक्रम है अपने लास्ट तक मंथ की जो है अटेंडेंस लगा लियो, नहीं तो तुम्हारी अटेंडेंस जीरो हो जाएगी। देखिए 0-0 बना रहे हो, जीरो अटेंडेंस हो जाएंगी अदरवाइज अगर मंथ का लास्ट तक नहीं लगाते हो तो। यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्शन है, मेरी एक राय है, तुम बताओ कि यह लाइन गलत है, क्यों कर लाइन या गलत है। बाद में फिर मैं बताऊंगा कि यह लाइन गलत क्यों कर है, ठीक है। ये नुगा हो ना कि मंथ का लास्ट तक अटेंडेंस लगाओ, नहीं तो तुम्हारी अटेंडेंस जीरो हो सकती है। तो यह लाइन मेरे हिसाब से गलत है। आई जिस जिस भाई ने बेरा किया लाइन गलत क्यों कर है कमेंट करके बता दियो, फिर मैं उसका कमेंट भी उठाऊंगा कि हाँ इस बंदन सही बताई है बात, या मतलब कॉमन सेंस है यार, ठीक है यह लाइन गलत क्यों कर है वो मैंने बता दियो। और रही बात यार सक्षम 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 की वीडियो तामी भी मेरे बनवानी छोड़ दो और तामी भी सक्षम का पीछे तो पल्ला झाड़ लो। जितनी जल्दी झाड़ लोगे ना उतना जल्दी ठीक रहोगा, क्योंकि सक्षम तो बेरा है यार 3 साल में साथ छोड़ जाएगी, बहुत सारे साथियों का साथ छोड़ गई होगी भाई। सब सब तो बेस्ट मौका है। इब्बा तक हरियाणा ग्रुप डी की वैकेंसी लिखड़ी को नहीं यार, और लिखड़ेंगी। जिसने जो पिछली बार 1, 2, 4 नंबर तक रह गया वो अब की बार 10 नंबर भी ऊपर लेके जा सका है। इब्बा तैयारी करने स्टार्ट कर दो, तुम तैयारी कर करो हो कि इब्बा तक मतलब ग्राम सचिव कहना पटवारी पटवारी यानी कि एग्जाम डेट को नहीं आई। जब एग्जाम डेट आओगे जित तैयारी करेंगे, हरियाणा पुलिस की एग्जाम डेट आ जाए जित तैयारी करेंगे भाई। फरवरी या मार्च माह का पेपर होना तय है। आज जनवरी तो नू हो तो चली गई, बैटरी डाउन होगी। जनवरी तो नू हो तो चली ही गई है, थोड़ी सी बच रही है 10-1 दिन ये हो चले जाओ हैं, 10 दिन भी को नहीं आ रहा, ठीक है। तो फरवरी तुम्हारे पास हो सकता है कि फरवरी के लास्ट तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और एडमिट कार्ड आते ही तुम्हारे पास फिर सीधा डायरेक्ट HSSC के भरमार आएंगे। आज ये एडमिट कार्ड आ गया, आज ये रिजल्ट आ गया, आज इसके पेपर की डेट आ गई, आज फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया, लगातार ही लगातार आएंगे। और ग्रुप डी के पहले फार्म भरवा लिए थे, उनकी रिटायरमेंट आओगी कम से कम 7-8 हज़ार प्लस तो लेके, तो मैं क्या बताऊँ 10 हज़ार तो प्लस हो सका है। इतनी वैकेंसी आऊँगी दोबारा से, और इब्बा तैयारी करना जाओ भाई साहब, लास्ट मौका है ग्रुप डी का। तो मतलब न्यू तो है को नहीं, 27 साल तक फार्म भर सका है। ग्रुप डी का तो शायद 42 साल है कि 45 साल, 42, 18, 42 ऐसा कुछ है हरियाणा फार्म मा का, यो सुख है। और सब तो बड़ा मौका जो तुमने बता दिया मैं रेलवे ग्रुप डी जो कि 1 लाख पोस्ट है भाई, जिसकी जिसका पास डिग्री डागरी है ना उसके बाद में प्रमोशन हो जाएगा 3 साल में, 5 साल में 10 किलो हो यार। एक सक्षम जो तुमने पकड़ा किया, एक मजदूरी तभी घटिया योजना लागा मन है, ठीक है। मैं मेरा अपनी ओपिनियन बताऊँ और अपना ओपिनियन सब रख सके हैं, क्योंकि मजदूरी तो घटिया क्यों कर है कि 6 हज़ार मिले हैं। अरे एक मजदूर भी रोज के 500 रुपये लेके आओ है, अगर वो 12 दिन चला जाए तो 6 हज़ार उसके हो जाए हैं। और तमी भी एक मजदूर तभी कम ले हो, तार तो आठ जगह खर्चा लागा, मजदूर का लागत को नहीं। अगला ट्रैक्टर मिठाई ले जाएगा, ट्रैक्टर मिठाई ले आओगा और खाना पीना भी वो ही देगा, तो हमने कुण की भी देव है। हम तो मजदूर तभी गए गुजरे हो भाई, समझो इस योजना ने जितनी तमन्ना मैं स्टार्टिंग का समझाता आया हूँ, या मैं बिकंद आया हूँ, अपना यूट्यूब का कोई प्रोफेशनल को नहीं। जिस दिन नौकरी लग गया मैं भी पल्ला झड़ जाऊँगा, इसलिए अपना सिर्फ एक ही सा चैनल है जो कि मतलब एक सिर्फ ये अपडेट देता हूँ मैं लोगों को कि लोगों के पैसे बचते हैं मेरी अपडेट से, कि भाई आज ऑनलाइन लेटर आ गया ले लियो वरना तारा भत्ता कैंसिल हो जाए, 15 रुपये जो आओ तारे बंद हो जाएंगे। मेरे लिए अपडेट हैं जो है सिर्फ लोगों के पैसे बचे हैं या बढ़े हैं कि भी मान लो, नहीं तो और भी गणे हैं कि और कुछ बना दिया उसका मतलब लोगों को कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं होता। लेकिन अपनी वीडियो इसी है कि जो बेचारे बेरोजगार बेरोजगार आदमी हैं उनको 1500 या 3000 या 6000 रुपये टाइम टू टाइम आते रहो, किसी से कैंसिल ना हो, लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। अपनी वीडियो तो लोगों को कुछ कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होने लग रहा है। कभी वीडियो बनाऊँ मैं खुद लेट हो गया था, अब की बार मैं भी सस्पेंड हो जाता, सस्पेंड या डिबार्ड हो जाता, मैं चेक नहीं करता था। मैं तो बस
कुदरती वैसे चेक ही कर लिया। मैं सर यार देखते हैं क्या सिस्टम है। वो उतनी देर में काम का मैसेज आ रहा है, फिर मैंने वीडियो बनाई, बहुत सारे मैसेज आया कि मेरे भी आ रहे, मेरे भी आ रहे हैं। मैं पूछ रही हो भाई सारे जने रहे सोमवार ने पूछ गए तो आ गए मैंने खड़े पाए। नो भाई बचा लिया, बचा लिया बचा लिया, वही बार तो मैं भी बच गया, नहीं तो मैं भी चला गया था। नीचे देखूँ तो आज लास्ट डेट थी 20 तारीख, अगर नहीं कटवाते तो चले गए थे। तो भाई थोड़ा हा जोर लगा लियो, सच्ची बताऊँ सक्षम योजना में तमी 6,000 के पीछे क्यों पड़ रहे हो। तमने के ला कह के तारी औकात सिर्फ 6,000 की है कि यार, यार कम से कम अपनी औकात तो बढ़ाओ भाई। माननी बात हमें सक्षम हो लेकिन तैयारी कर दे रहो, सत्ती सत्ती कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं, तैयारी कर दे रहो, कोई मतलब जिक के पढ़ दे रहो, सेंटर की जर्नल अवेयरनेस और मतलब करंट अफेयर पढ़ दे रहो भाई, ये मैक्सिमम तो ये है। बाकी मैथ रीजनिंग जिसने एक बार तैयारी कर लेना है, मैथ रीजनिंग उसने आ जाए है पास होने जोगी आ जाए है। लगभग हरियाणा पेपर हो गया तो ज़्यादा जिक के आओगी, और सेंटर का पेपर हो गया तो करंट अफेयर जर्नल अवेयरनेस और मतलब ये ज़्यादा आओ हैं। मर खींच कर ले लो सोधन, कोई दिक्कत वाली बात होनी। पिछली बार 60,000 वैकेंसी काटी थी रेलवे ने, अब की बार 1 लाख को काट दी है। और रेलवे की तो उम्र भी माड़ी 30 साल तो ऊपर है, रेलवे की बढ़िया है। तो तुम लोग एक अच्छी तैयारी कर करके अच्छे पैसे कमा सकते हो भाई, अच्छी जॉब में लग सकते हो। और जॉब भी ना था ना तो हरियाणा के हाल है, जॉब भी ना तो हरियाणा बाड़गा दबिया भी ना कर दे। सच्ची बताऊँ तो बेरोजगार आदमी के साथ कोई भी नहीं भाई, उसके माँ बाबू भी कोनी, माँ बाबू भी तो ना मार मार कर नू कह देंगे लिगड़ जाड़ करते हैं, वो कड़क कंपनी पकड़ ले, तू मारा पंडा छोड़ दे, न्यू कर दे न्यू कर दे। सारी सच्ची बात बताई है मैंने, जो एक जो कि एक हर घर में ये बात बीतती होंगी। खैर जो भी है तुमने बोला ना समझा दिया, बस मैं कौन बोलूँ। तुमने वीडियो लाइक करो शेयर करो ना, जो बंदे जुड़ रहे हैं अपनी नॉलेज सिर्फ उन तक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाढ़ में गए यार। ठीक है तुम भी सुधर जाओ, आपा भी सुधर जाओगे, नौकरी लाग जाओ फटाफट। सक्षम योजना में किमी नहीं है, सक्षम योजना की वीडियो बना दिया है मैंने, 3 साल हो चुकी है भाई, 3 साल तो ऊपर भलाई हो चुकी, क्योंकि जब तक सक्षम योजना आई ना उस टाइम की मैं वीडियो बनाने ला रहा हूँ। हालांकि उस टाइम में सक्षम योजना में था कौन, सक्षम योजना में बाद में, लेकिन वीडियो उस टाइम की बनाने ला रहा हूँ मैं, देख ले। तो सक्षम योजना की जानकारी लगभग पूरी हो रही है मैंने, और जो आदमी सक्षम योजना लिख लिए वे घर ही बैठे हैं। तो मैं नहीं चाहता कल भी था मैं भी न्यू घर ही बैठो, तो अपना घर ही बैठने से पहले अपना गेल ने एक सपोर्ट बना रहे हो बढ़िया सी, कि कल को हम ऐसे मतलब सक्षम योजना से मतलब फ़ायदा लेना बंद हो जाएगा, तब हम इस चीज़ की तैयारी अभी तैयारी करने लग जाओ यार, कोई दिक्कत हो नहीं। अगर जो बंदा डिवार्ड हो जाए सस्पेंड हो जाए तो यार हर चीज़ जो भी होता है वो भले के लिए होता है, तुम कदे भी ध्यान रख लियो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। के बेरा तमी सक्षम होना तब डिबार्ड हो गए तो तुम तैयारी करने का टाइम मिल जा, तैयारी करने का मौका मिल जा, गाड़ा भी नुका दे तो तेरा बताने बंद हो गया, जाइए पढ़े ले ओ कि में काम कर ले फलाना कर ले दिगड़ा कर ले। सही है जो बालक सही टाइम सिर कंपनी में निकल गया, उसके कंपनी के यार बेरा के प्राइवेट भी रुपये बहुत ने दिया है, बस मारा काम में तो खेच की ले ले है प्राइवेट कंपनी, लेकिन रुपये सरकारी तो फालतू दे है प्राइवेट कंपनी, सरकारी में इतना ज़्यादा रुपये को बढ़ दे होंगे जितनी प्राइवेट कंपनी बढ़ा दे है। और एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद कंपनी चेंज मारो और सिस्टम बढ़िया है यार। ये बात तो हर किसी आदमी का समझ आनी चाहिए, जो कि अपने एज का हो गया उनमें हर आदमी में जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, और अपना यूट्यूब चैनल खोला कोई वो ज़्यादा उद्देश्य कौन था, तो यूट्यूब चैनल कोई भी खोल सके यार, सबका सब खुला पड़ा है, वीडियो अपलोड करो ताकि वीडियो हो गया ले। यूट्यूब चैनल कोई बड़ी बात होनी, यूट्यूब चैनल हर दौर है, ले बस अपना नू है कि भाई सक्षम हमारा बताने गए जुड़ दे गए बताने गए जुड़ दे गए धीरे धीरे, तो वो तो कोई दिक्कत को नहीं। यूट्यूब चैनल कोई भी खोल लियो, मेन बात है भाई साहब यूट्यूब भी एक इतनी धोखा दे जा है। ठीक है, लेकिन जो तारी सरकारी नौकरी हो जाएगी ना वो तारा पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, बुढ़ा तक बुढ़ापा तक का जुगाड़ हो जाएगा तारा। ठीक है, तो थोड़ा हा समय का चाल लियो, टेम है बाद में यार, टेम लिखा बाद में ना फिर कुछ नहीं होना, मतलब यार तुम एक तैयारी बढ़िया प्रॉपर करना चाहो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बढ़िया तैयारी करना चाहो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जल्दी नौकरी मिल सके है। अरे यार 2020 में और भी इसी वैकेंसी निकली कौन है, और उनके पेपर भी हो लेंगे, ये बता नहीं पहले बता दी मैंने कि घनी वैकेंसी इसी हैं जो आनी बाकी हैं, चाहे बिजली महकमे की हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कलर टाइप की हो चाहे गार्ड टाइप की हो गार्ड, और चाहे मतलब चपरासी टाइप की हो चाहे या थोड़ी बहुत ऊंची पोस्ट हो। ठीक है, सबकी SI हो गया, तहसीलदार हो गया,
कैसी पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट निकलने वाली हैं 2020 में ही निकलेंगी, और बहुत अच्छे अच्छे मौके आने वाले हैं। पहला होगा रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम और ग्रुप डी का। ग्रुप डी का एग्जाम कम से कम 3 4 महीना तक लगा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम। 1 करोड़ तो ज़्यादा आवेदन है, इतना तो है कौन यार, सबका ऑनलाइन पेपर दुआओगे, बहुत लंबा चलने वाला है। अगर एक बंदा जज का 3 महीना पढ़ाई कर लेना मुद्दा पड़ जाए किताबा पर, भाई साहब 3 महीना में टेस्ट पास का है, ज़्यादा कुछ है को नहीं। मैक्सिमम क्या होगा, मैथ और रीजनिंग, अगर मतलब ये करंट अफेयर, ये इस टाइप के आओगे, मतलब थोड़ा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी आओगे थोड़ा बहुत, तो ध्यान दे लियो थोड़ा, क्योंकि नॉन मेडिकल से रिलेटेड इस तरह सिस्टम आया करे। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात को नहीं यार, पढ़नी है पढ़ा खाता तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अच्छो कि मैंने तो आठ आठ तक रखी है, अरे मैथ लीजिए हमने साइंस तक रखी, हमने किधर पढ़ लिया यार, ले बस थोड़ी नॉलेज है, कोई दिक्कत को नहीं, सबका पेपर क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान लगा कर पढ़ लो भाई साहब, सही मौका है। अभी भी जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लेगा ना, वो अभी भी पास का पेपर अजय फार्म भरा क्या है। पिछली बार तो रेस भी थी, अब की बार रेस को नहीं, रेस है उन बच्चा खाता है जिसके रन कम आओगे, अगर जिसके नंबर ज़्यादा आगे ना उन बड़ा खाता रेस को नहीं, क्योंकि वो एक तरफा लागे नोत लो, अगर ज़्यादा नंबर लेगे ना तो हमने उस 95% लागेगी, और जो कम नंबर लेगा उसका फिजिकल भी होगा रेस भी होगी, और भाई बहुत ना होता होगा ठीक है, लेकिन वो भी लगेगा, तो तुम्हारा खाता बेस्ट मौका है, आई थिंक समझ गए होगे ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। बाइक तो बचियो सर्दी में, ओह छाती जाम कर दे, जुकाम कर दे भाई, बूंदा जुकाम कर दिया। चलो जो भी है, अभी के लिए वीडियो को यही एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई यार। ओके भाई।